नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे बैंक के बारे में जिसके चर्चे बहुत बार आपके सामने मैं कर चुका हूँ, जिसके चर्चे जितने बार करूँ उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी ने जो अपडेट्स यहाँ पे दिया है वो देखने के बाद रिटेल निवेशक के मन में बहुत ज्यादा लड्डू जरूर फूटेगा, क्योंकि कंपनी ने बहुत दिनों के बाद एक तगड़ा प्रॉफिट परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है और कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे खुद का जो एनपीए है उसको मेंटेन किया है। और यहाँ पे जितने सारे लोग पहली बार आया है उसको एनपीए पता नहीं है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ और कुछ ऐसे चीज दिखाऊंगा जो शायद आपने पहली बार नहीं देखे होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जो एक पेनी स्टॉक के जैसे काम कर रहा है। अराउंड 20 रुपीज के आसपास इसका प्राइस रेंज है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, कंपनी में क्या सही में दम है, क्या कंपनी फिर से वो ग्रोथ, वो फिर से जो उसका जो लिस्टिंग गेन में, मतलब जब आईपीओ आए थे उस लिस्टिंग गेन का जो प्राइस है उस लेवल तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन सामने आ चुके हैं, तो एक एक करके पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली देता रहूंगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा। देखिए, पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न में स्क्रीनशॉट लेके रखा था, क्योंकि आपको मैं दिखाने के लिए, ये देखिए कंपनी की बहुत दिनों के बाद करीबन करीबन 10% के आसपास तेजी देखने को मिला। 10% कंपनी देखिए जब से मॉर्निंग में जब स्टार्ट हुआ तब से देखिए साइड बेसिस पैटर्न में चला, क्योंकि देखिए उसके बाद सडन पिक एंड सडन जम्प। इस सडन जम्प के पीछे कारण कौन सा है? एक्चुअली इस सडन जम्प के पीछे कारण है कंपनी का Q1 का रिजल्ट, मतलब कंपनी का धमाकेदार रिजल्ट कंपनी इस बार किया, तो इसलिए कंपनी अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। तो कितना रिजल्ट किया, किस तरीके से रिजल्ट किया, चलो उसके ऊपर पहले बात कर लेता हूँ। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स इसका बारे में बात करूंगा जो शायद आपको आपने पहले नहीं देखा। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो लाखों में है, मैं पहले बता दूँ, तो लाखों में हो करोड़ों में हो कुछ भी हो आपको सिर्फ फिगर देखना है। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो इस बार, मतलब इस बार जो कंपनी रिजल्ट किया 1 लाख के आसपास, जो पिछले बार कितना था 92,000, पिछले सालों में कितना था 71,000। चलो अच्छी बात है, कंपनी का इनकम का तो ग्रोथ हुआ, अच्छी सबसे अच्छी बात माना जाता है कंपनी का इनकम को मेंटेन करना। उसके बाद कंपनी का एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, खर्चे भी देखा जाए तो कंपनी 72,900, जो पिछले बार था 70,000, पिछले साल में था 55,000। मतलब कंपनी इनकम जिस तरीके से किया उसके हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल में लेके आया। देखिए कंपनी कभी भी बर्बाद हो सकते हैं और कभी भी बर्बाद कंपनी को अच्छे बना सकते हैं कौन, वो है मैनेजमेंट टीम। तो मैनेजमेंट इसका कितना अच्छे है कितना बुरे है वो आपको पता चलेगा कंपनी के बैलेंस शीट में, कंपनी का परफॉर्मेंस में, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि यहाँ पे ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट, इसको देखने से पहले कंपनी का प्रोविजन ही देखना होगा। कंपनी का प्रोविजन मुझे इतना तगड़ा लगा, इतना तगड़ा लगा कि मैं आज तक इस कंपनी का प्रोविजनिंग इस तरीके से नहीं देखा। कंपनी का प्रोविजन कितना, ओनली 39, सोचिए मतलब ना के बराबर कर्जा है। तो मतलब सॉरी कर्जा नहीं, ना के बराबर प्रोविजनिंग है। प्रोविजनिंग का मतलब क्या है, आप सोचिए मार्केट में जो पैसा दे के रखा है उसको कंपनी के हाथ में कितना पैसा वापस आ रहा है, उसी को एट ए टाइप ऑफ प्रोविजनिंग बोला जाता है। तो ऑब्वियसली प्रोविजनिंग जितना कम होगा उतना ही बैंकिंग के लिए खासियत है। तो कंपनी पिछले बार तो 4,300 था, पिछले सालों में तो बोलिएगा मत कंपनी 47,300 था। तो इसीलिए कंपनी लॉसेस में चला गया था। टोटल नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो टैक्सेस भी पे करना पड़ा, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड अब देखेंगे तो कंपनी पिछले सालों में तो करीबन करीबन 23,300, अराउंड अराउंड बात करूं तो मैं 233 करोड़, तो यहाँ पे 233 करोड़ का टोटल कंपनी ने क्या किया था, लॉसेस किया था। इतना बड़ा लॉस कंपनी किए थे, तो सोचिए कंपनी का लॉस कितना बड़ा था, उसको रिकवरी करके इस बार कंपनी ने प्रॉफिट किया करीबन करीबन 202 करोड़ का, जो पिछले बार कितना था 126 करोड़ का। तो 126 बना 202 करोड़, और पिछले बार तो 230 मतलब 30 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी लॉसेस किया था। तो लॉसेस बन गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट तो देखने का लायक है, तगड़ा प्रॉफिट किया। सर यही प्रॉफिट नहीं, जो चीज मैं पहले आपको कमेंट किया था कि मैं आपको एक स्पेशल चीज दिखाऊंगा इस कंपनी के बारे में,
चलो मैं आपको बता देता हूँ। इस कंपनी का वीक पॉइंट्स क्या है आप जानते हैं? इसका कासा रेशियो। कासा रेशियो क्या होता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इसका कासा रेशियो है 20%, ओनली 20%। इसका मतलब क्या है, मान के चलिए कंपनी का कासा रेशियो इतना कम होने का कारण पीछे कारण जो है, कंपनी एक्चुअली कासा मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, तो बैंकिंग को सबसे ज्यादा पैसा आना चाहिए इस दोनों अकाउंट से, करंट अकाउंट से एंड सेविंग्स अकाउंट से, और कंपनी का 20% मतलब पैसा आ रहा है कासा रेशियो से, मतलब सेविंग्स एंड करंट अकाउंट से। ये सबसे ज्यादा वीक पॉइंट माना जाता है इस कंपनी के लिए, और इसी वीक पॉइंट्स के कारण ही स्टॉक में लगातार गिरावट चलते रहे। क्योंकि देखिए, अगर हाथ में पैसा नहीं आएगा तो वो बिजनेस कहाँ से करेगा। तो कंपनी ने इस बार जो तगड़ा परफॉर्मेंस किया, वो मुझे सबसे और एक चीज अच्छा लगा, वो है कंपनी का एनपीए, नेट एनपीए का जो परसेंटेज है। आप देखेंगे एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है, तो मान के चलिए इसको बोला जाता है एज ए बैंकिंग ने क्या किया, लोन बांटा, तो लोन बांटने से क्या होता है, बैंकिंग को इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट से बैंक चलता है और उस इंटरेस्ट से बैंक कमाते हैं। तो मान के चलिए एक बैंक ने 100 रुपीज का लोन बांटा है, उनमें से अगर आप देखेंगे तो चलो मेरे 2-3% का लोन मार्केट से नहीं उठा पा रहा है, तो हर साल में 2-3% का लोन अगर उठा नहीं पा रहा है, तो सोचिए कितना बड़ा अमाउंट फ्यूचर में आपको लॉसेस दिखेगा। तो यही एक पॉइंट था जो एनपीए को इस बार कंपनी ने अच्छा कंट्रोल किया, आप देख सकते 0.11%, तो बहुत शानदार है, मैं कहूंगा बहुत शानदार, क्योंकि पिछले बार कितना था 2.68। मुझे इस एनपीए को सबसे ज्यादा तगड़ा लग रहा है, क्योंकि रॉकेट की तरह जो शेयर जो भागा ना, वो सिर्फ यही एक कारण था, एनपीए और प्रॉफिट दोनों के कारण। क्योंकि देखिए, आप एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो उसका 0.60 दिखेगा, कोटक बैंक देखेंगे तो 0.65 दिखेगा, आईसीआईसी बैंक देखेंगे तो 0.70 समथिंग दिखेगा। तो इतना दिग्गज बैंकिंग ने भी एनपीए को कंट्रोल इस तरीके से किया, और एनपीए यहाँ पे इस बैंक ने करीबन 0.11% तक यहाँ पे कंट्रोल में रखा है। तो एक जबरदस्त परफॉर्मेंस में जरूर कहूंगा। तो इस कंपनी के ऊपर अभी फोकस रखना है कि नहीं रखना है, वो आपको मैं अभी बताऊंगा, तो वीडियो को कंटिन्यू करिए। अब देख सकते हैं रिटेल जो बैंकिंग है, उनमें से कंपनी का इस बार इनकम है कितना, 89,000। तो मतलब रिटेल बैंकिंग मतलब आप जिसको मैं पहले बता चुका हूँ, जो कासा रेशियो मतलब करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, इसमें से बैंकिंग को हाथ में पैसा रहा है 89,000, जो पिछले बार कितना 84 था, पिछले साल में कितना 60 था। ऑब्वियसली ग्रोथ हुआ, इसको ग्रोथ होना ही चाहिए, क्योंकि जितना ग्रोथ यहाँ पे दिखेगा उतना ही बैंकिंग के लिए फायदा है। तो अभी क्या इसको बैंकिंग में निवेश करना चाहिए, तो देखिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको शेयर करूंगा, वहां से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली बैंकिंग के ऊपर क्या करना चाहिए। पहली बात, कंपनी का एनपीए देखिए, कंपनी ने इस क्वार्टर में एनपीए बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया, 0.11% की अच्छी बात है। आपको देखना है ईयर ऑफ ईयर बेसिस, एक बार कंपनी ने तगड़ा परफॉर्मेंस किया और दूसरी बात उसका डबल एनपीए बढ़ गया, तो क्या फायदा। आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी का एनपीए बहुत बढ़ चुके हैं। कंपनी का सीपीआर तो मतलब जो इसका जो जो करंट एडिक्वेसी रेशियो है वो 26% है, चलो अच्छी बात है। कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज जो है वो 6.58 है, तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज भी मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि कंपनी को लाइबिलिटी मतलब कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसे किसको देगा, जो लोग सेविंग अकाउंट करके रखे हैं, जो आरडी एफडी जो मतलब इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं बैंकिंग के ऊपर, तो इन्वेस्टमेंट मतलब जो मतलब सेविंग अकाउंट किया है, जो मतलब कोई इंश्योरेंस किया है, तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो ये एक बैंकिंग के लिए लायबिलिटी है। तो 6.58% मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, साथ ही साथ कंपनी का पे रेशियो जो बहुत लो लेवल में है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एडवांस जो ग्रोथ है वो मुझे ज्यादा लग रहा है, एनआईएम वो भी यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, एनआईएम भी कम होना चाहिए था, कंपनी पहले एनआईएम तो बहुत तगड़ा था, मगर उसको एनआईएम को कंपनी बहुत हाई बना चुके हैं। तो एनआईएम क्या है और सीआर क्या है और इसके बारे में और पैग रेशियो क्या है, इसके बारे में डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको डिटेल्स वीडियो बना के दूंगा। तो कंपनी के ऊपर और भी कुछ चीजें दिखा दूं, जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात। पहली बात, कंपनी एक बहुत छोटा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत हाई लेवल में दिखा, कंपनी इनकम तो लॉसेस में है, कंपनी का कैश हाथ में है बिल्कुल, फिर भी कंपनी का 5% डेप्थ ऑफ इक्विटी है, चलो कोई बात नहीं, बैंकिंग स्टॉक है डेप्थ तो होगा ही, फिर भी कंपनी का लॉसेस होना ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी नेगेटिव में है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ चलो
13% है, प्रॉफिट ग्रोथ तगड़ा है। और कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कुछ नजरिया कुछ इस तरीके से है। कंपनी का प्रॉफिट लॉस एंड लॉस आपको साल भर में दिखा दूं तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है, मगर इसका इस तरीके से प्रॉफिट होने से क्या फायदा, कभी 2 करोड़, कभी 30 करोड़, कभी कभी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कभी 7 करोड़, कभी 200 करोड़, कभी 300 करोड़, फिर से 8 करोड़, फिर से 400 करोड़ का लॉस। मतलब इतने ज्यादा प्रॉफिट होने के बाद एक बार ही कंपनी ने लॉस कर दिया और सारे के सारे पैसे चला गया। तो इसमें आपको कंपनी में कुछ फायदा यहाँ से आपको नहीं दे रहा है, कंपनी देखा जाए तो 34% तक लॉसेस दे रहा है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कोई भी एक्टिव नहीं है, इसका मतलब कंपनी के ऊपर भरोसा उतना नहीं करते हैं। देखिए मैं भी जरूर कहूंगा इस कंपनी के कोई भी हिस्सेदारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो कंपनी आपको पेनी स्टॉक लगेगा और कंपनी देखिए लिस्टिंग होने के बाद लगातार गिरते गए और आज 20 रुपीज के आसपास चल रहा था। तो कंपनी जो 60 रुपीज में मतलब हाई किया था और 60 रुपीज का शेयर आज 20 रुपया है, मतलब कितना गुना आपका लॉसेस चल रहा है आप सोच लीजिए। तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, आपको लग रहा है कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए तो आपके खुद के हिसाब से निवेश करिए। मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए फिलहाल के लिए। सिर्फ एक बार कंपनी अच्छा किया ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी अच्छा कर सकते हैं, अगर कंटिन्यूअसली अच्छा करते हैं तब इस कंपनी के बारे में सोचना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।